तो मैं अपना ट्यूबवेल दिखाता हूँ, देखो ये रहा। ये तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस अभी ना आज फाइनली मेरी एक विश पूरी होने वाली है इंशाल्लाह। मैं इस गर्मियों के सीजन में ना सोच रहा था कि मुझे गांव जाना है, तो आज फाइनली हम गांव जा रहे हैं। और गांव क्योंकि हमारा खुद का नहीं है कोई सा भी गांव, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं किसके गांव जाऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं आरिफ भाई के गांव इंशाल्लाह। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं अभी सोकर उठाऊँ। मैं फजर के बाद सो गया था दोबारा से, अभी दोबारा से उठाऊँ तो अभी जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों की कॉल आनी शुरू हो गई ना एक बार, तो बहुत बार कॉल करते रहेंगे और दिमाग ख़राब कर देंगे। तो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, मैं कपड़े लेकर जा रहा हूँ अभी वॉशरूम, और अभी नहा कर ना फ़ौरन से तैयार होकर निकलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस फाइनली मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं निकलने वाला हूँ। तो अभी ना हमने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है, 8 बजे से 9 बज चुके हैं, अभी फाइनली निकल ही रहा हूँ इंशाल्लाह। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ आरिफ भाई के घर पर, और अभी मैं यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। मैंने नाश्ता नहीं किया था ना, तो मैं केले लेकर आ गया था साथ में, तो अभी मैं केले खा रहा हूँ। अभी आरिफ भाई भी तैयार हो रहे हैं, वैसे सब तैयार हैं, बस ये थोड़ा सा अपने बाल सेट कर रहे थे। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, काफ़ी देर भी हो चुकी है, तो मैं जल्दी से केले निपटा के ना हम निकल रहे हैं यहाँ से फिर। तो कहते हैं हम यहाँ से निकल रहे हैं, और आरिफ भाई दो दो बोतलें लेके जा रहे हैं पानी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल बात है, मेरी आँख नहीं खुल रही थी, आँख खुलते इनका फोन आ गया। कॉल भाई से पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ इससे। मैंने कहा जब ये घर पर वालेकुम अस्सलाम उमर रहमतुल्लाह भाई करते हो क्या सभी में। तो कहते हैं हम रास्ते में रुक गए थे, और यहाँ पे हमें आड़ू मिल गया अचानक से, तो हमारा सबका दिल कर रहा था कि हम आड़ू ले लेते हैं। तो अभी बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ, आड़ू भी हैं और कई कुछ और चीज़ें भी हैं। तो मेरा भी दिल कर रहा था बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए थे अंदर। क्या क्या ले लिया तुमने? बस ये लिया है आड़ू, कितने अच्छे लग रहे हैं आड़ू देखने में। मैंने इनको देख के काफ़ी मुँह में पानी आ रहा है, मेरे दिल कह रहा है मैं भी खा रहा हूँ। तो फोन किसने लिया है मेरा? भाई मेरा फोन रखा था यार, कुछ किसी पे है क्या? रिंग बजा ले, यहाँ पे रखा था जल्दी रिंग बजा ले, रिंग बजा माज भाई। सो गाइस फाइनली हमने कई घंटों के बाद में मुसाफियत बोलते हैं ना तय करी, और अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ। मेरठ जाने की हमारी मेन प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हमारे प्लानिंग ये थी कि हम पहले ना मेरठ में रुककर, क्योंकि दानिश भाई के कज़िन ब्रदर रहते हैं तो उनके पास ठहर कर जाएंगे कुछ देर तक आराम आराम करके, उसके बाद में जाएंगे हम गाँव इंशाल्लाह। तो मैं क्यों जलन हो रही है भाई? तुमने बोर कर दिया यार आज। क्यों? अभी है ना मेरठ के लिए हम घूम रहे हैं, और फैसल भाई के पास जा रहे हैं, और उनके पास थोड़ी देर तक रुकेंगे, फिर उसके बाद में गाँव जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं फैसल भाई के घर पे। सो गाइस हम पहुँच गए मेरठ। हाँ फैसल भाई के घर पे, फैसल भाई के घर पर आराम फरमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कूलर हवा दे रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। सही में बाहर इतनी धूप हो रही है बहुत कड़ी वाली, तो यहाँ पे लेट के इतना मज़ा आ रहा है बारिश में। दानिश भाई बंदे फैसल भाई इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा चलो अब आ ही गया तो फिर शुरू कर। आम से शुरुआत करने वाला था, शुरू करना या मतलब ऐसा करना पड़ता है? भाई ले लो यार, अगला आदमी मुझे लेगा तो पता नहीं। व्लॉग में ना सिर्फ दो ही लोग दिखने वाले हैं, होल्डिंग का मुझे शादी की वीडियो लेनी है। हां कोई नहीं, आओ तुम भी चलो। आ
दिल में मेरे एक डायलॉग याद आ रहा है, बोलो क्या? तू थोड़ा सा तू बड़ा तो हो गया, तू बड़ा तो होगा, तुम हॉर्स कर नहीं है ढंग से लगाओ, चटनी लोकल थोड़ी है, बहुत बेहतरीन चटनी। ठीक ठीक है, एक्सपेरिमेंट। वैसे मैंने 2 बजने वाले और अभी हम नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर आ गए थे। ऊपर ना हमें एक तो वॉशरूम में फ़्रेश वगैरह होके आना था, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं सारे के सारे, तो हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होके नमाज़ पढ़ के उसके बाद में ही सोचेंगे हमें कहाँ जाना है। जी अलहमदुलिल्लाह। ऊपर ना ये वाले फ्लोर जो सेपरेट है, यहाँ पर कोई ख़वातीन वगैरह नहीं है, तो हम यहीं पर आ गए थे सारे के सारे। गाइस अभी ना हमने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमारी कुछ दीन की बातें चल रही थी, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, हम सब सुनेंगे इंशाल्लाह। हालांकि दीन के अंदर तरजीह तो सिर्फ इत्तेकान है, इत्तेकान बिल्लाह। पहले में इतना हजरत आयशा वाले लेते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। कुरान खुद कहता है, अल्लाह ताला खुद कहता है कि बीवी अहले बैत में आती है तो उन्हें नहीं लेते वो, तो भाई वो बेवकूफ़ है ना, कुरान में खुद शामिल किया है करके तो खड़ा हो। वैसे रफाई दिन हर जगह पर कुछ नहीं होता, ये जो कंडीशन है ये सामने ये ऊपर और ये चीज़ जो ना इसके और इसके दरमियान हो गई, तो तीसरी जगह के लिए जो हम खड़े होते हैं ना ऊपर, तो तब कर। अच्छा तब कर ये चीज़ नोटिस नहीं करी। तो गाइस अभी ना हमने नमाज़ पढ़ ली थी और अभी 3 बज चुके हैं तकरीबन, खाना लगा दिया है फैसल भाई ने, तो अभी हम अंदर जाने, काफ़ी भूख भी लग रही थी, वैसे आरिफ भाई को भी लग रही थी है ना, इनको तो नींद भी आ रही थी, काफ़ी सो गई थी अभी थोड़ी देर के लिए। तो गाइस खाना तैयार है, थोड़ा इधर हो ना, जगह नहीं है भाई, है इधर बहुत जगह, बंदे की जगह है ये, रही देखो ये रही। मैं बताऊं, मैं ले रहा हूं भाई तू सफेद मुस्लिम तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं गांव की तरफ, और यही सबसे हमारा मेन जो डेस्टिनेशन था वही होगा इंशाल्लाह, वहीं जाएंगे। तो अभी ना 4 बज रहे हैं, तो काफ़ी सही सा मौसम भी हो रहा है। मुनीर भाई शिकंजी बुला रहे हैं आज, मैं शिकंजी नहीं बुला रहा अल्हम्दुलिल्लाह, फैसल भाई बुला रहे हैं। आओ अंदर आओ, बना के मैं फूड ब्लॉगर जैसे पहले फंस गया था ना, बोल चुके हम 6 गिलास। ओ भाई बोल करा घंटा कर जी, आज ही हो आप छोड़ दूंगा। नाम बताओ उसका, यहाँ पे ना इतनी गर्मी लग रही थी और शिकंजी पीते ही इतना मूड बिल्कुल चेंज हो गया, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो कभी भी आप आओ ना, तो सिंपल सा एड्रेस है, आप एक दफ़ा एड्रेस बता दो क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। ताज पैलेस सुमन नगर, ताज पैलेस पहली सुमन नगर, सुमन नगर ताज पैलेस सुमन नगर। तो हम ये रेस्ट करने के लिए रुके थे मेरठ में, अब जाएंगे गाँव में, गाँव का नाम महल का। सो फैसल भाई के पास हम रुके थे और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत हाँ हाँ बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा। कोई नहीं, आप उधर बैठ जाओ, बात हो गई इनकी, इन्हें अलग कर दिया भाई। सो गाइस आरिफ भाई वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं और इस बात का अफसोस आज भाई को सदा रहेगा। मेरा की पहाड़ियों पर पहुंच गई है, इकलौती जगह जो पानी के अंदर नहीं, सीधा ही सीधा है बस ले ये सीधा। सो गाइस फाइनली यहाँ पे विलेज दिखने लगा, गांव दिखने लगा, देखो ये सारे खेत दिख रहे हैं। सो गाइस ये हम फाइनली आ चुके हैं गांव में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल खुली हवा है, प्रकृति का स्पर्श। नहीं नहीं
सो गाइस अभी ना नमाज़ असर का टाइम हो गया था, तो ना नमाज़ असर पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद में घूमेंगे यहाँ पे। बंदे क्या है तू, अपने गांव कब आया लास्ट? हम तुझे तेरा गांव दिखाएंगे, चलो मस्जिद का नहीं पता कहाँ है। तो गाइस यहाँ की ना ये है मस्जिद और यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज है असल वजू, पानी आ रहा है इनमें करो। सो गाइस यहाँ पर ना इतना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मैं वजू करूँगा, पीछे लग नहीं रहा था कि पानी आ रहा है। और देखो ये है मस्जिद इसके पीछे जो कि अभी बन रही है, बनी नहीं है पूरी तरह से, अभी बन रही है ये वाली मस्जिद ना, इस पर काम चल रहा है, टूट जाएगा पैर रखते ही। बहुत है तो नमाज पढ़ के वापस आ गए। हमें खेत में भी जाना है, नाना भी है, बाग में भी जाना है और आम तोड़ के खाने हैं इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश और ट्यूबवेल पे नहाना है इंशाल्लाह। सुबह शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अभी हमें ये हो रहा था कि हमें जाना ट्यूबवेल में, लेकिन टाइम बहुत कम है क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। अभी हम ना यहाँ पे बैठे हुए ये पी रहे हैं बनाना शेक, तो अभी हम यहाँ से निकल ही रहे हैं सारे के सारे भी इंशाल्लाह। अभी आप देखो ना पीछे कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है, अभी हम यहाँ ट्यूबवेल पे आ गए हैं इतने बेहतरीन टाइम पे। सो मैं ना ट्यूबवेल दिखाता हूँ, देखो ये रहा। ओ भाई हम यहाँ पर नहीं नहा सकते, बहुत छोटी ट्यूबवेल है और वैसे भी टाइम इतना कम है, लेकिन इसमें जो गहराई देखी ना तो इसमें पैर ही पैर उतरने और कुछ नहीं हो रहा। आगे जाने दूसरी ट्यूबवेल, यहाँ पे बहुत सारी ट्यूबवेल हैं जैसे कि भाई बताए। सो गाइस सारे लोग इतना बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ठंडा होगा पानी, पता नहीं मैं कैसे कूदूंगा इसके अंदर, देखते हैं। जाने वाली में चला जा, ठंडा पानी हो रहा है। अरे जाओ यार, तुम तो ज्यादा जल्दी निकल गए, तभी निकले। गाइस अभी ना इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, हमने नहा लिया और यहाँ पे इतना ठंडा पानी हो रहा था। अभी मैं माइक वगैरह छोड़कर आ गया तो यहाँ पे आवाज़ पता नहीं आपको कैसी आ रही है, लेकिन जैसे चारों तरफ हरियाली ना, खेत वगैरह ये सब तो चाहिए था मुझे। अभी देखो यहाँ पे कई नए नए लोग मिल गए, ये देखो ये लोग देख रहे थे कि मैं ब्लॉग बना रहा था, तो ये लोग आ गए थे कि किस नाम से आपके चैनल वगैरह, तो मैं बता देता हूँ इनको। अभी ना दूसरे वाले ट्यूबवेल पे जा रहे हैं क्योंकि ये वाला जो ना पीछे वाला वो भी छोटा ही था, हालांकि मज़ा उसमें काफ़ी आया, लेकिन हम फिर भी आगे जा रहे हैं कि एक और ट्यूबवेल में नहाएंगे। और एक कमाल की चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये देखो मैं नंगे पैर चल रहा हूँ पूरे रास्ते क्योंकि मैं पीछे जूते छोड़ कर आ गया, और मैं जूते लेकर आता ना तो वो गीले हो जाते और ख़राब हो जाते। हेलो, सो गाइस ये है वो दूसरा वाला ट्यूबवेल और ये काफ़ी गहरा लग रहा है मुझे। यहाँ पे हम जाएंगे पैर धोकर जाएंगे, पैर गंदे हो गए थे काफ़ी। हाँ तो गाइस ना अभी यहाँ पे ना गांव में कई लोग मिल गए थे, तो भाई भी मिल गए थे यहाँ पे, ये भी नहाने आए होते हैं। बिल्कुल भाई, साथ में आएंगे इंशाल्लाह। तो पानी मत रोक के भाई, और राइट गाइस, सो इतना मज़ा आ रहा है, अभी हम नहा चुके हैं जी भर भर के, और इनका पता नहीं क्यों अब तक दिल नहीं भर रहा, अभी तक पड़े हैं मुनि भाई, जल्दी आ जाओ भाई नमाज का टाइम हो गया। तो अभी वापस जा रहे हैं, नमाज है मगरिब पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता हम आज रुकने वाले हैं गांव में या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अगर चाहूँ तो, अगर मेरे मुझसे कोई राय ले तो मैं कहूँगा कि हम रुक सकते हैं इंशाल्लाह, कल भी फिर से एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी ना हमने बागों में बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करा कुछ भी। और जो दूसरी ख्वाहिशें थी ना हमारी, एक तो आम खाने की थी, तरबूज खाने की थी, वो ख्वाहिशें अभी तक पूरी नहीं हुई, तो पता नहीं हम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, और रुकेंगे तो ज़रूर जाएंगे बागों में इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं पत्थर मेरे पैरों पे, लेकिन मेरे पैर नंगे ना, ऐसे चलना पड़ रहा है। और मेरा ना दो चीज़ों में प्रॉब्लम होंगी, मेरे जूते वाकई में भीग गए,
ना भीगे इसलिए मैं इनको पहन के नहीं गया और मैं पूरे रास्ते नंगे पैर चला, लेकिन फिर भी भीग गए। सो गाइस अभी ना काफ़ी अंधेरा हो गया यहाँ पे और अभी मैं वापस आ गया। एक दुख की बात ये है कि मेरे ना डिवाइस में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, तो व्लॉग अब मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूँगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पे चार्जिंग का जुगाड़ है ये नहीं है मुझे नहीं पता, तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये बंद होने वाला है कुछ सेकंड में ही, तो मैं अभी पता नहीं क्या करना है मुझे। सो गाइस अभी ना हम फाइनली खाना खाने आ गए हैं और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, यहाँ से खाना खा के ना रात में चले जाएंगे। ले लिया पहले गाइस अभी ना खाना वगैरह खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और रात हो रही है। आरिफ भाई कह रहे थे काफी देर से कि नशीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो अभी नशीद शुरू करेंगे। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इस बात से घर में मेरी रहमत होगी। मैं भी मदीने जावा जावा मेरा जी कर दे, दिल दा हाल सुनावा सुनावा मेरा जी कर दे। माशाल्लाह। मैं भी मदीने जावा जावा मेरा जी कर दे, दिल दा हाल सुनावा सुनावा मेरा जी कर दे। मैं कशावा मदीने चले, मैं कशावा मदीने चले, मैं कशो। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। बे उम्मी व अभी फरैतुक सैदी, सलातुन व सलाम अलैका या नबी हबीबिया मुहम्मद, अतैत बिस्सलाम वल्हुदा मुहम्मद। जिने से मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ में, खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मैं बंदा आसी हूँ। अभी नशीद वगैरह पढ़े थे सारे मिलकर और अभी चाय मिल गई ना तो मज़ा आ गया, मतलब रात में ना चाय पी के और हम सिंगिंग वगैरह करते हैं ना, साथ सिंगिंग बोल रहा हूँ रिसाइटेशन, तो अभी हम चाय पी के यहाँ से निकल जाएंगे तो रात वैसे भी हो गई। चलो इमाम तो बैठा है इमाम साहब ये बैठे हैं, देखो कुर्ता पजामा पहन के आ गए ना, तो आज इनको लग रहा है कि इमाम यही है आज के सारे के सारे नमाज़ में। तो गाइस अभी ना रात के 11 बज रहे हैं, तो हम ना व्लॉग को ऐड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और क्योंकि हम वापस दिल्ली जा रहे हैं तो व्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ तक बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी आज, तो वापस जा रहे हैं दिल्ली। जज़ाक अल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। काहे ना तुकमा है ताबा रहमतन लिल आलमीन, जान को ताजान जाना रहमतन लिल आलमीन।